पिछले कुछ समय में बंडा इलाके का कुछ गांवों में जल स्रोतों से ज्वलनशील गैस का रिसाव होने की खबरें सामने आई थी। कुछ दिनों पहले ही बेसली गांव में भी खोदे गए बोर में से बड़ी संख्या में ज्वलनशील गैस निकली थी, जिसमें आग भी लग गई थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया था। इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से भूगर्भ शास्त्री और बीना रिफाइनरी से एक टीम मौके पर पहुंची, जिसने ग्राम खिरिया और बेसली के जल स्रोतों की जांच की थी। ग्राम खिरिया में सालों से कुछ लोग घरेलू रूप से इस गैस का उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन एक हादसे के बाद इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। ग्राम खिरिया में उन्होंने देखा कि किस तरह एक माचिस की जलती तीली से आग पकड़ रही है। वहीं ग्राम बेसली के बोरवेल से इतनी ज्यादा मात्रा में गैस निकल रही है कि उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उन्होंने उसे जलाकर नहीं देखा। दोनों ही टीम ने माना कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। निकलने वाली गैस मीथेन है, जिसमें सल्फर भी मिला हुआ है। जहाँ भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इस गैस का औद्योगिक रूप से उपयोग नहीं हो सकता, तो वहीं दूसरी तरफ रिफाइनरी की टीम का कहना है कि इसका उपयोग औद्योगिक रूप से हो सकता है। 6 साल पहले से निकल रही, करीब 6 साल से। और का मीडिया बारी हुई तो ले गए थे जानकारी, और टीवी पे दे दी थी। 8-8 बोर में निकल रही और आसपास क्षेत्र में निकल रही। इतनी 1 किलोमीटर की एरिया पूरे में गैस निकलती, तो लोग ये भी सुनिए कि उसका उपयोग भी करने लगे। हाँ, कौन लोग कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ताप भी रहे हैं। जी, सरकारी बोर होंगे 2-4 निकल रहे हैं। तो किस तरह की गैस निकलती है, मतलब लोग क्या करते हैं? चाहिए आग लगा दे, लग जाते हैं। और उसको पानी डालते हैं तो बुझ भी जाता है? हाँ, बुझ जाता है। पछी को प्रेशर से मारो तो बुझ जाता है। कितना समय हो गया गैस निकलती है? 2-2 साल से निकल, बरसात में जैसे बंद हो जाए। देखिए, 4 साल से यहाँ पे रिसाव हो रहा, पहले परसेंटेज कम था तो इतना इफेक्ट नहीं आया, इतना पता नहीं चला। अभी कहीं से सोर्स इसका बढ़ गया है, जिससे ज़्यादा बाहर देखने को मिल रहा है। तो अभी बाकी जगह चेक करके पता चलेगा कितना नीचे डिप में कितना है परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इसमें पर ये बात रखूँगा विधानसभा स्तर पर, जो हमारे चाहे वो खिरिया हो, हिंडोरिया हो, बेसली, उल्लन, जहाँ जहाँ ये मतलब जो बोर वगैरह किए गए उनमें से जो ये गैस निकल रही है, उसकी जांच कराई जाए। हाँ, बोलिए। संबंध में विधानसभा में प्रयास करूँगा, और जो भी उससे संबंधित विभाग वहाँ भी जानकारी किसी भी माध्यम से, पत्र के माध्यम द्वारा वहाँ पहुँचाऊँगा। ये बेसली का जो स्थल है, ये खिरिया के स्थल से ज़्यादा शक्तिमान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैस निकलने की आवाज़ अंदर से आ रही है। और जो जहाँ तक मीथेन तो होती ही है, परंतु इसमें गंधक की भी बदबू आ रही है। और अवश्य है कि ये, क्योंकि पहली बार यहाँ खुदा है, तो ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी दिन चल सकती है। खतरे के लिए यहाँ जो 2-3 गांव निर्धारित हैं, उन गांव में ट्यूबवेल पर पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे हम, और जब तक उनको परमिशन नहीं हो जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उनको ट्यूबवेल खोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके संबंध में पीएचई विभाग को उन्होंने अभी बैठे हुए बताया कि आप जितने भी ट्यूबवेल ओपन हैं उनको कवर्ट करें, जिससे उनकी गैस रिसाव ना हो, दुर्घटना से बचा जा सके। खड़े हुए हैं यहाँ गैस, करीब 4 साल से यहाँ गैस निकल रही है, जितने भी बोरवेल से गैस निकलती है, लोग उसका उपयोग भी करने लगे हैं। आज सागर से विशेष टीम आई हुई है जो इसकी जांच कर रही है, किस तरह की गैस है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे वो सागर विश्वविद्यालय से आए हुए पीके कटल जी से, वो इसकी जांच कर रहे हैं कि किस तरह की गैस है, इसके नुकसान या फ़ायदा जो होंगे वो बताएंगे। सर बताए, इस तरह ये गैस निकल रही है तो क्या कारण होगा? इसमें ज़मीन के नीचे कुछ इस तरीके की परतें हैं जिनमें कि कार्बन के तत्व मौजूद हैं। जब भी पानी के लिए कोई बोरवेल बनाया जाता है तो वो पानी उन कणों के कांटेक्ट में आकर के थोड़े समय के लिए गैस बनती है, लेकिन शुरू में पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए गैस ऊपर नहीं आ पाती। जब पानी का स्तर नीचे जाता है तो गैस निकलनी शुरू होती है। ये पूरी गैस, इसका कोई भी
उपयोग नहीं है, ये सिर्फ दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इस तरह की जहाँ भी गैस की एक्टिविटी है, यदि पानी नहीं निकल रहा है, तत्काल प्रभाव से उन पंपों को बंद किया जाना चाहिए। यहाँ देखा गया कि इसका उपयोग लोग कर रहे हैं, उसका रोटी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, तो इसका उपयोग क्या सार्वजनिक तौर पर नहीं, इसका उपयोग सार्वजनिक तौर पर हम लोग बिल्कुल नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इसको नियंत्रित करना मुश्किल है। ये प्राकृतिक रूप से घटना के रूप से निकल रही है, कब इसकी लौ ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, इससे लोगों को जानहानि हो सकती है। इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से प्रशासन को बंद करना चाहिए और लोगों में ये जानकारी देनी चाहिए कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो प्रशासन के नॉलेज में लाए, ताकि किसी को किसी तरीके का नुकसान ना हो। कल को यहाँ जब फसलें बड़ी होंगी और यदि गैस इस तरह से उड़ करके चली गई तो ये आसपास के खेतों में आग लग जाएगी और जान मान उसको नुकसान होगा। ये देख सकते हैं, ये एक बोर इस तरह के 8 बोर यहाँ पे हैं जिसमें पानी नहीं निकलता। शुरू में यहाँ पानी निकला था, लेकिन जब कम हो गया तो ये अब गैस निकालने लगा है। हम बताएंगे आप आग लगा बताए किस तरह की इसमें आग लग जाती है। एक सीख की लो झुकाने पर ये आग पकड़ता है और लोग यहाँ बच्चे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ, उन्हें दम नहीं लगता। एक बड़ा हादसा कभी हो सकता है। अभी हाल ही में एक महिला की मौत भी ऐसी हादसे में हो चुकी है। ये देखें, इसमें गैस इतनी तेज मात्रा निकल रही है कि लोग जब सीख उसके पास पहुँचती है और आग पकड़ लेती है। लोग यहाँ पे हैं, इसका मनोरंजन करते हैं, क्योंकि अभी तक 4 साल पहले भी खबर मीडिया के माध्यम से आई थी, लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन अब लग रहा है कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज, पंडा।